जब कभी दुनिया में अमीर देशों का नाम आता है, तो ऐसे में दुबई कैसे पीछे रह सकता है भला, जहां के लोग सिर्फ अपने रईसी के लिए जाने जाते हैं। दुनिया की सबसे महंगी कारें अगर आप देखने का शौक रखते हैं तो जनाब दुबई में आपको एक से बढ़कर एक कार देखने को मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, आपको सोने से बने टॉयलेट भी देखना है तो दुबई में वो भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुबई की तीन सबसे रईस लोगों की, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी रईसी के लिए जाने जाते हैं। नंबर तीन पर राशिद बिल हसन। अब इस बच्चे का क्या कहना, जैसे मानो ये सोने का चमचा लेकर ही पैदा हुआ हो। हमारा ड्रीम होता है कि बचपन में हम बड़े बड़े और अपने फेवरेट स्टार्स से मिले, लेकिन शायद ही कि हमारा ये सपना हमेशा के लिए सिर्फ एक सपना ही बनकर रह जाता है। लेकिन राशिद अपनी छोटी सी उम्र में ही अपने फेवरेट फिल्म स्टार से मिले हैं। ये दुनिया का ऐसा बच्चा है जो 14 साल की उम्र में ही लगभग अपने हर फेवरेट सेलिब्रिटी से मिल चुका है। आपको बता दें कि इस बच्चे के पास दुनिया की सबसे महंगी कार्स का कलेक्शन भी है। नंबर दो पर मोहम्मद बिन सलमान। ये सऊदी अरब के सबसे जवान प्रिंस माने जाते हैं, जिन्होंने प्रिंस का ताज बहुत ही कम समय में हासिल कर लिया था। ये प्रिंस काफी रंगीन है, और आपको बता दें कि उन्होंने अपने जन्मदिन पर ही लगभग ₹50 करोड़ रुपए उड़ा दिए थे। इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने किम कार्दाशियन को भी एक रात के लिए ₹60 करोड़ का ऑफर दिया था। और अब नंबर एक पर है अल वलीद बिन तलाल। अल वलीद का जन्म एक बहुत बड़े परिवार में हुआ था। ये एक कंस्ट्रक्शन बिल्डर माने जाते हैं। आपको बता दें कि इनके पास दुनिया का सबसे महंगा पर्सनल प्लेन है, जिसके अंदर पूरी तरह सोने का महल बना हुआ है। इन्हें गाड़ियों का बहुत शौक है। बता दें इनके पास 300 से ज्यादा गाड़ियां हैं, जो पूरी तरह से कस्टमाइज है। और अभी तक ये दो सदियां कर चुके हैं और दोनों से तलाक भी ले चुके हैं। ये भी काफी रंगीन मिजाज का इंसान माना जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं।